हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI डिविडेंड हील्ड फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के बारे में। आखिर इसमें क्या क्या आखिर हमें बेनिफिट होगा, इसी के साथ में ये कितना नया यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, ठीक है, यानी कि कब स्टार्ट हुआ है और आखिर इसमें कितना पैसा यहाँ पर निवेश किया गया है, कि आने वाले समय में इससे हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, और आखिर हमें पैसा इसमें निवेश करना है तो किस तरीके से निवेश करना है, वो चलिए हम सारी बातें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ना दिखा के मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर सीधे क्रोम में, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो NAV है वो है 14.22। तो NAV की फुल फॉर्म होती है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है। NAV एक यूनिट समझ सकते हैं। जब भी ये म्यूचुअल फंड है लॉन्च किया गया होगा तो इसके अंदर कुछ पैसे हैं वो ऐड किए गए होंगे, और वो पैसों के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर NAV बना दी गई होगी, ठीक है। अब NAV जितनी आपकी हाई होगी उतना ही आपको यहाँ पर अधिक प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो ग्राफ वगैरह है वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो फंड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, SBI का ये म्यूचुअल फंड है। इसी के साथ में 14 मई 2023 में ये लॉन्च हुआ है, रिटर्न दिया है इन्होंने लगभग यहाँ पर 33.5%, ठीक है। कहने का मतलब है 1,00,000 रुपये आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको एक साल में 33,500 रुपये आपको देंगे, ठीक है। इसी के साथ में रिस्क मीटर देख सकते हैं, फंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है फंड साइज, ठीक है, यानी कि 73 करोड़ और 43,20,000, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको बाकी की बातें हैं चलिए मैं आपको वहीं पर ही समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्स्ट्रा लोड, ठीक है। एक्स्ट्रा लोड में यहाँ पर ये 10% का आपको यहाँ पर टैक्स के रूप में आपको देना होगा, एक साल के बाद निकालते हैं तब, ठीक है। इसी के साथ में जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका 1% के हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है, वो आपसे यहाँ पर पहले ही ले लिया जाएगा, ठीक है। ये इसकी खासियत है, बाकी की बातें मैं आपको उसी पर ही ले जाकर चलिए बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, जैसे कि मैंने इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा है, जो कि मैंने यहाँ पर 3.5 लाख रुपये यहाँ पर निवेश किया था, और उसके बाद में यहाँ पर जो अमाउंट हो चुकी है लगभग 4,00,000 यहाँ पर 46,710 रुपये यहाँ पर हो चुके हैं। पर ये म्यूचुअल फंड दूसरा था, इसकी NAV बहुत हाई है, ठीक है। जब मैंने इसमें पैसे निवेश किए थे तो यहाँ पर जो इसकी NAV थी वो थी यहाँ पर 282, ठीक है। अब यहाँ पर हो चुकी है 350 NAV, ठीक है। तो NAV यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक करते हैं। जितने भी SBI के म्यूचुअल फंड होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फंड है वो हमारा यहाँ पर आ ही चुका है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसमें आप 5,000 रुपये से ये बता रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये 33.56 का ये रिटर्न देगा, ठीक है। चलिए हम इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ये तो ये सही बता रहा है, NAV इतनी है, एक साल में यहाँ 33.89% का इन्होंने रिटर्न दिया है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं जो ये वो ही बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये टैक्स वगैरह काट के होगा 33.56, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 से कर सकते हैं एक ही बार वाले, ठीक है। 500 रुपये से आप इसमें SIP शुरू कर सकते हैं। रैंक से जो परमामीटर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वेरी हाई है। और यहाँ पर जो इसके फंड मैनेजर हैं वो है रोहित, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रोहित और मोहित, ठीक है। तो ये इसके फंड मैनेजर हैं। अब इसमें पैसे निवेश करना है, और इसमें आपको बता दूँ जैसे कि रेगुलर ग्रोथ, ठीक है, इसमें आपकी जो ग्रोथ है वो रेगुलर ही रहेगी, ठीक है, यानी कि आज भी बढ़ सकते हैं, कल भी बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इतनी विस्तार से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आप बैंक में भी जाएंगे तो बैंक मैनेजर भी आपको नहीं बताएगा इतनी विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक करते हैं। SIP शुरू करना चाहते हैं जैसे कि मंथली के, अगर आप 500 रुपये देना चाहते हैं तो आप 500 रुपये इसमें ऐड कर सकते हैं। अब में आ जाता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है कि आप 3 मंथ में पैसे यहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम हर मंथ पैसे जमा नहीं कर सकते हैं, भाई 3 मंथ में हम इकट्ठे पैसे जमा कर दिया करेंगे, ठीक है, तो आप इसमें 1500 रुपये कर सकते हैं। तो जो आपके 1500 रुपये हैं ऑटोमेटो आपके खाते से कट जाया करेंगे डेट बाई डेट, ठीक है, मंथली के। इसी के साथ में अगर आप एक ही बार में करना चाहते हैं, भाई हम 5,000 करें, 10,000 करें, ठीक है, हम एक ही बार में करना चाहते हैं, हमारी बस की बात नहीं है कि हम बार बार पैसे जमा कर पाएँ, ठीक है, तो आप इसमें एक ही बार में ही 5,000 या फिर 50,000 कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर 5,000 ही करके दिखा रहा हूँ, और
आज है 1 जून, ठीक है, वो आपकी डेट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको अगर आपके पास EUIN कोड है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसकी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करते हैं, आपकी जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर एग्री पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंफर्म पर सिंपली क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो आपका बैलेंस है वो यहाँ पर दिखने लगेगा म्यूचुअल फंड में, यानी कि अगर आपके फ़ोन में SBI योनो एप्लीकेशन है तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। आपके सामने यहाँ पर जितना भी आपका इन्वेस्ट हुआ वो होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे कि होल्डिंग या फिर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका जो पैसा है वो यहाँ पर ऐड होगा करीब 24 से 48 घंटे में, ठीक है, वो पैसा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट बैलेंस, ठीक है, जो कि यहाँ पर 00 दिखा रहा है। अगर आपका पहले से कोई यानी कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ होगा तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा और पहला वाला होगा वो आपको नीचे दिखने लगेगा, ठीक है। अगर आपने पहली बार किया है तो आपका एक ही ठिया दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं। इसकी NAV है वो अभी बहुत सस्ती है और आने वाले समय में इसकी जो NAV है वो हाई हो जाएगी और आपका जो पैसे की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ में काफ़ी लोग होते हैं कि कहते हैं कि भाई FD में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, FD में इतना फ़ायदा नहीं है इतना आपका म्यूचुअल फंड में फ़ायदा है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में यह है कि आपकी जो पैसे हैं वो आपको FD से हमेशा बढ़कर ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आप FD कराते हैं 1 लाख रुपए की तो आपको कितना भी रिटर्न मिल जाएगा, 7% 8%, ठीक है। 7% के हिसाब से तो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप एक साल में अगर मान लो अगर आपको बैंक है, अगर आप बैंक को 1 लाख रुपए देते हो और वो एक साल के बाद आपको 8,000 रुपए देती है तो आपके रुपए हो जाते हैं 1,08,000। और अभी हम मान लेते हैं अगर हम कोई बाइक लेने जाते हैं स्प्लेंडर से ही, ठीक है, तो अगर वो 1 लाख की है क्या वो भी पार साल को ही क्या 1 लाख की मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको 2,000 रुपये और डालने होंगे वो बाइक लेने के लिए, ठीक है। तो जब भी अगर आप पैसे को यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, खाते में, तो वो खाते में रखने से तो अच्छा है कि आप यहाँ पर FD कर दें अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। और आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं और मैं आपको बता ही रहा हूँ तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ में म्यूचुअल फंड में यह है अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो आपको 15% देना होता है और आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं तो वो आपका जाता है लॉन्ग टाइम में, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम में अब आपका जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा जैसे कि 40,000 का हुआ, 50,000 का हुआ, ठीक है, तो आपको 1 लाख की तो आपको वहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है, 1 लाख की आपको छूट मिल जाएगी। बच्चा जितना भी पैसा आपका, ठीक है, उस पर आपको 10% देना होगा, ठीक है। और ये बात सच है कि आपको हमेशा FD से अधिक ही रिटर्न मिलेगा इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।